ये खड़ी अपनी लाल परी और वो रही वेनम। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल संदीप त्रिवेदी व्लॉग्स। तो गाइज आज मैं निकल चुका हूँ अपने कोटा के लिए। कोटा की छोटी सी राइड है 250 किलोमीटर्स की। वैसे तो मैं संडे राइड्स पे जा चुका था बट वो व्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि अपना जो गोप्रो था वो ख़राब हो रखा था। बट अब सब कुछ सही है, माइक वगैरह सारे सही है, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेते हैं कोटा चलने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रात में कहाँ निकल गया। तो गाइज अभी रात नहीं हो रही है, अभी सुबह की 4:40 हो रहे हैं और मुझे छोटा सा काम है कोटा में पहुँच कर जल्दी से, तो इसलिए मैंने सोचा अर्ली मॉर्निंग निकल लेता हूँ। बाकी अर्ली मॉर्निंग के भी अलग ही मज़े हैं राइड पर निकलने के, सनराइज़ वगैरह देखने को मिलता है, बहुत मज़ा आता है, मौसम ठंडा होता है। ठंडे मौसम की वजह से मैं अंदर लाइनर पहनना भूल गया जैकेट का और बाहर ठंड बहुत है अभी फेब की मॉर्निंग के हिसाब से। तो गाइस ठंड भी लग रही है, उसको देखो झेलते हैं, चलते हैं आगे राइड करते हैं और मज़े करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ आज अपनी राइड कैसी रहती है। गाइज हम लोग टॉक में अपनी जो परमानेंट जगह हमारी रुकने की वहाँ पहुँचने वाले हैं। बस 500 मीटर दूर रह गया होगा अभी यहाँ से, उसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ा सा रुक के बात करता हूँ, चाय नाश्ता करते हैं थोड़ा सा। अभी भी अंधेरा ही है, फिक्स 6 बज चुकी है और हम लोग वहाँ से चले थे 4:40 पर, तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट लगा हमें 100 किलोमीटर कवर करने में। ये फिक्स पूरा 100 तो नहीं है बट 94-95 राउंड तो है जिस जगह अभी हम लोग रुकने वाले हैं। ये दिन के टाइम पे इधर का सीन अच्छा रहता है, अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो आते वक्त तो अगर मैं मॉर्निंग में या दिन में आता हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगा इधर का सीन। तो ये रही वो जगह लाइटिंग जहाँ हम लोग रुकते हैं, लोगों को दिख भी रहा होगा, अब क्लियर होगा शायद। तो यहाँ कहीं रुकते हैं हम, ये रहा अपना आगे वाले पे रुकते हैं अपन, तो हम वहीं चलते हैं अभी अपना देव नारायण। यहाँ हम खाएंगे आलू प्याज पराठा। तो गाइज अभी टोंक में रुक चुके हैं हम लोग, चाय नाश्ता कर रहे हैं दोनों बैठ के, बढ़िया चुस्कियाँ मार रहे हैं। मुझे तो ठंड के मारे हालत ख़राब हो गई, मुझे लगा नहीं था इतनी ठंड होगी जिस हिसाब से अभी फैब में ठंड है, मतलब मॉर्निंग में। और अब यहाँ से 150 किलोमीटर हो रहे अपना कोटा, ये कोटा जयपुर हाईवे, तो मतलब ऐसा याद सा हो गया है कि रात में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे, इतना इशू है नहीं। लाइटिंग वगैरह का थोड़ा सा हो रहा है, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम तो आ नहीं रही है। बाकी अपनी बाइक भी फर्स्ट क्लास अभी चल रही है और अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपनी दोनों गाड़ियाँ, वैनम और लाल परी, दोनों अभी खड़ी हैं यहीं पे साथ में लेके आए। ये खड़ी अपनी लाल परी और वो रही वैनम। यार उसकी तो हालत मत ही देखा करो, गंदी रहती है हमेशा, काली गाड़ी वालों की प्रॉब्लम है ये, वो सब भाई समझ रहे होंगे जिनके पास ब्लैक कार होगी। और अभी कुछ ऐसा हाल हो रखा है यहाँ अंधेरे में, मतलब नाइट में तो शायद ये मेरी पहली राइड है जब मैं अंधेरे में गाड़ी चला रहा हूँ। और अभी चाय नाश्ता करने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, बाइक पर वापस पहुँचते हैं कोटा, फिर उसके बाद बाकी की आगे की राइड्स वगैरह करेंगे। तो गाइस अब हो चुका है उजाला और अब हम चला सकते हैं गाड़ी तेज, हम तेज चलेंगे।
सनराइज़ तो वैसे अभी हुआ नहीं है, थोड़ा टाइम लेट ही दिखा रहा है, अराउंड 7, और ठंड अभी भी लग रही है, बट कोई ना, सहनी पड़ेगी। हाँ, मॉर्निंग राइड, मज़ा तो आ रहा है अकेले भी राइड करने में, सोलो आफ्टर सो लॉन्ग। गाइस सनराइज हो चुका है, अ ब्यूटीफुल व्यू जो कि मैं बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ अपनी मॉर्निंग राइड पर। आई गेस आप लोगों को भी दिख रहा होगा, ये देखो, और आसमान भी बहुत शानदार खुला खुला, मज़ा आ रहा है राइड करने में। और ये हमारी वीडियो बन रही थी रील्स और शॉर्ट्स के लिए, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अब दिन हो चुका है तो गाड़ी भी तेज चलाने में अच्छा लग रहा है, रात में विजिबिलिटी नहीं थी तो मज़ा नहीं आ रहा था चलाने में ज़्यादा। इससे ज़्यादा अभी तेज़ जाना बहुत रिस्की होता है इन रोडों पे, क्योंकि कोई पता नहीं को कब कौन कहाँ से आ जाए। तो 170-160 इनफ है इंडियन रोड्स के हाईवे के लिए। फेवरेट चीज बाइकर्स की टनल,
ये अमीन से, अमीन से गुस्सा मत करो। तो फाइनली गाइस 4 घंटे की राइड के बाद हम लोग कोटा पहुंच ही गए और अब घर पहुंचकर हम मिलेंगे अपने बोर्ड से, मम्मी पापा से, फिर शाम को जाएंगे दोस्तों से मिलने, मस्ती बकचोदी करने। और आज की राइड में मुझे बहुत मज़ा आया, सोलो राइड में काफ़ी टाइम बाद करी तो बहुत अच्छा लगा इसे ही। और गाइस आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देन राइड सेफ, राइड हार्ड, टेक केयर गाइज एंड बाय।